नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। मैं ना डॉक्टर सागर चौधरी हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, इंडिया में दांतों का डॉक्टर हूँ। और आज आपको बहुत छोटी सी एडवाइस देने आया हूँ, क्योंकि इन दांतों को बचाने के लिए ना दांत जितनी छोटी एडवाइस और दांत जितने छोटे एक्शन ही लगते हैं। अगर हम ये सब फॉलो कर लें और अपने परिवार वालों को फॉलो करने के लिए राजी कर लें, तो दांतों को जल्दी उम्र में नहीं खोएंगे। क्योंकि है ना, एक एक दांत आपके मुंह में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। ये बात सुनने में जितनी फनी लग रही है, उतनी ज्यादा सीरियस है। उन लोगों से पूछिए जो दांतों को खो चुके हैं और जो सक्षम नहीं है आज खाने के लिए, स्पेशली ऐसी उम्र में जब आदमी बच्चे जैसा हो जाता है बुढ़ापे में। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको बहुत छोटी सी एडवाइस देनी थी। देखिए, सुबह तो सभी ब्रश कर लेते हैं, प्लीज रात के ब्रश की हैबिट बनाइए और अपने बच्चों को, अपने परिवार में सबको डालिए। अब आप बोलेंगे, क्यों, सुबह तो मैं कर लेता हूँ साफ दांत, तो फिर रात में क्यों करना है? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। दांत में खाना जितनी देर तक के लिए फंसा रहेगा, उतनी जल्दी दांतों को खराब करेगा। सुबह जब आप ब्रश करके निकलते हैं, तो आप खाना खाते हैं, आप कुल्ला करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, सलाइवा निकलता है, थूक भी दांतों को अपने आप साफ करता है। आप कुल्ला करते हैं, आप बातें करते हैं, बहुत कुछ होता है पूरे दिन में। पर रात में जब आप खाना खा लेते हैं और बिना ब्रश कर सो जाते हैं, तो वो अटका रहता है। अगर आप 6 घंटे भी सोए, तो 6 घंटे तक खाना वहीं का वहीं रहता है। इसलिए सुबह उठते आपको मुंह से बदबू भी आती है और कीड़ा भी उस टाइम पे लगता है। तो प्लीज रात की ब्रशिंग की हैबिट बनाइए, इस हैबिट को फॉलो कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे क्लिनिक का पेज है डेंटल ग्रीन्स, उसको फॉलो कीजिए, हमारा सार्कास्टिक शुगी नाम से पेज है मोटिवेशन स्पीकिंग का, उसको फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरीज है, हमारा फोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी इस वीडियो के बाद, हमसे पूछिए। क्योंकि छोटी छोटी सलाह आपको मदद करेंगी, क्योंकि हमारा देश जितना बड़ा और जितने ज्यादा लोग हैं, उतनी ही कम डेंटल अवेयरनेस, उतनी ही कम दांतों के बारे में जानकारी। तो हम डालते रहेंगे वीडियोस, छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहेंगे। इनको सुनते रहिए, फॉलो करते रहिए और लोगों को बताते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।